वहीं जींद में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नंदी साला में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वामी राघुनंद जी महाराज द्वारा ये किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग रहे। एडीसी हरीश वशिष्ठ के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम में शिरकत किए। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण गर्ग ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा गौ सेवा के लिए बजट 40 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ कर दिया गया है। इसी कड़ी में शफीदो विधानसभा क्षेत्र में गौशालाओं का 55 लाख, जिंद विधानसभा के अंदर गौशालाओं को 51 लाख किया गया और जिंद जिले भर में 279 लाख रुपए के चेक गौशालाओं को दी जा रही है। हर जिले के डीसी को सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि कोई भी गौवंश सड़क पर ना दिखाई दे। सांसद रमेश कौशिक के भाई राजेंद्र कौशिक ने बताया कि मनोहर सरकार द्वारा गौवंश के लिए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। को सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी गौ भक्तों को और देशवासियों को मकर संक्रांति की लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 22 तारीख को राम मंदिर का भी उद्घाटन हो रहा है जी। भगवान राम अपने निवास में विराजेंगे, उसके लिए भी बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं। गौ भक्तों द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर गौशालाओं में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और गौ भगत दान भी दे रहे हैं और गौ माता की सेवा के लिए अपना जीवन भी लगा रहे हैं जी। 40 करोड़ से 400 करोड़ का बजट। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसा गौ भगत अब तक तो हरियाणा की धरती पे नहीं आया जी। या तो हरफुल जाट जुलाने वाला था जी। या फिर अन्य गौ लाला हरदेव साहे थे या अनेकों गौ भक्तों ने रहे हैं, परंतु आज के युग में 40 करोड़ रुपए बजट का 456 करोड़ रुपया उन्होंने किया और गौशालाओं में प्रॉपर तरीके से ग्रांट जारी है जी। हुड्डा साहब के सरकार में आज गौशाला का प्रोग्राम था जी। पहले तो हम सभी तरह से चेयरमैन साहब के साथ में जी वहाँ पे गौशालाओं में चेक दे के फिर यहाँ पे जींद में घुमाना जाएंगे। और जैसे अपना चेयरमैन साहब ने सब कुछ बता ही दिया है जी कि भाई पहले तो सरकार 5 लाख रुपए देती थी जी, अब 456 करोड़ का बजट है और कोई भी गाय